सो दोस्तों मैं अभी लैला मजनू की मजार के पास में खड़ा हूँ। एक सऊदी अरेबिया के अंदर भी लैला मजनू की मजार है। अल्ताबाद माउंटेन का एरो सामने भी लगा है आगे की ओर चलने के लिए। कैफ एंड लैला कैफ वेयर दे यूज्ड टू मीट, तो यहाँ पे भी क्लियर लिखा हुआ है। पहले लैला मजनू जो थे वो पाकिस्तान के अंदर रहते थे, वहां से आए और जब उनको मिलने नहीं दिया जा रहा था लोग उनको कह रहे थे कि आप नहीं मिल सकते। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है रितेश बिश्नोई और मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल द फियरलेस ट्रैवलर के अंदर। आज मैं आपको लेके चलता हूं लैला मजनू की मजार, जो कि बिंजोर गांव और न्यूली मेड डिस्ट्रिक्ट अनूपगढ़ के अंदर है। आज की जो हमारी मोटरसाइकिल ट्रैवल जर्नी होगी वो 70 से 80 किलोमीटर होगी अप्रॉक्स। हमने अभी यहाँ घर से चलना शुरू किया है। भगवान आप सबको हमको लंबी उम्र दे, तरक्कियाँ दे, खुशियाँ दे और आज का जो हमारा सफ़र है वो सेफ रहे। हम मेन सड़क के ऊपर आ चुके हैं और ये है नेशनल हाईवे 911 अमृतसर 422, बठिंडा 269, श्री गंगानगर 147, रायश नगर 79 किलोमीटर। नई मंडी गढ़साना पहुंच चुके हैं। स्पीड ब्रेकर्स बहुत तकड़े तकड़े हैं यहाँ पे, कमर को पता चलता है। अभी यहाँ पे एक पेट्रोल पंप आया है, पेट्रोल भरवा लेते हैं। मुझे लग रहा है कि थोड़ा कम है, कहीं बीच में ही हमें धक्के ना लगाने पड़े। अभी चलते हैं यहाँ से आगे की ओर। बाइक का सबसे बड़ा सुख यही है कि टोल नहीं देना पड़ता। अभी मैं आपको एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी बताने वाला हूँ। एक जैसा कि आप सबको पता है कि हम जा रहे हैं आज लैला मजनू की मजार है अनूपगढ़ के पास बिंजोर गांव के अंदर वो विज़िट करने, और लैला मजनू एक प्यार का संकेत भी है। इंटरेस्टिंग बात ये है कि जैसी एक यहाँ पे मजार है अनूपगढ़ के अंदर, वैसी ही एक लैला मजनू की जो मजार है वो सऊदी अरेबिया में भी है। कुछ लोगों के हिसाब से यहाँ पे जो लैला मजनू की मजार है इंडिया के अंदर वो रियल है, और कुछ लोगों के हिसाब से जो सऊदी अरेबिया के अंदर जो मजार है वो रियल है। तो भाई अभी हम लोग जा रहे हैं ऊपर, देखिए रास्ता है, कुछ इस तरीके से कुछ रास्ता है। और ये देख लो भाई, यही है सुरंग। कैफ एंड लैला कैफ वेयर दे यूज्ड टू मीट, तो यहाँ पे भी क्लियर लिखा हुआ है, यहाँ पे लोग आके मिलते थे। तो भाई बहुत खतरनाक दिख रही है, ये देख लीजिए। अभी ये आप बताएंगे कि कौन सी मजार रियल है, या आपको क्या लगता है, आपका क्या मानना है। यहाँ पे भी पूरा जैसे पूरी जगह बनाई हुई है, सऊदी अरेबिया में भी पूरा जैसे वो बनाया हुआ है, लोग वहाँ पे टूरिस्ट जाते भी हैं। मैं आपको वो जगह दिखाता हूँ, उसके बारे में प्रॉपर हम बात करते हैं, दिखाता हूँ मैं कैसी है वो। और पहले ये एरिया भी रेगिस्तानी था, अभी जैसे नहर आई उसकी वजह से यहाँ पर खेती होने लगी। और ये आ चुकी है पत्रोड़ा मंडी। अभी हम अनूपगढ़ पहुंच चुके हैं, न्यूली मेड डिस्ट्रिक्ट। पहले श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट होता था हमारा। इधर राइट हैंड साइड के अंदर है अनूपगढ़ का बस स्टैंड, और ये रोड सीधी सीधी जाएंगे तब आएगा रेलवे स्टेशन, लास्ट में जहाँ पे ख़त्म होगी वहाँ पे। न्यू ईयर आने वाला है, थोड़ा बाज़ार के अंदर रौनक भी बढ़ चुकी है, दुकानें वगैरह लगी हुई है,
अभी हम जिस लैला मजनू की मज़ार पर जा रहे हैं वो भारत पाकिस्तान की बॉर्डर से 2 या 3 किलोमीटर ही दूर है। वहाँ पे बिल्कुल पास में इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर है। अभी पिछले 1 महीने के अंदर हम तीसरी बार इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर के इतना नज़दीक जा रहे हैं। यहाँ पे आज कोई प्रोग्राम हो रहा है, उसकी वजह से पानी वगैरह पिला रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे लिखा भी है लैला मजनू 5 किलोमीटर, बोर्ड लगा होता पहले तो सही होता था ये, बट अब तो घास फूस उगी कर गई। लैला मजनू की मज़ार बहुत ही ज़्यादा फेमस और टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, यहाँ पे मेला वगैरह लगता है। लैला मजनू की मज़ार है, वहाँ पर पहुँच चुके हैं और ये काफ़ी चेंज कर दिया, बाहर 4 दीवारी बना दी, यहाँ पे कुछ आर्मी के बंकर्स भी बने हुए हैं और अब हम अंदर जाएंगे। यहाँ पे शायद पार्क बनाया हुआ है साइड में। यहाँ पे क्या कि साल में एक बार मेला लगता है ना, इसलिए यहाँ पे शायद इतनी साल संभालनी होती, जैसी मेला आता है उस टाइम वो कर लेते होंगे सही। यहाँ पे 2 गाड़ियाँ भी आई हुई है, शायद यही विज़िट करने आए हैं। यहाँ का मेन गेट लैला मजनू 0 किलोमीटर, बाइक यहाँ पे खड़ी कर देते हैं। सो दोस्तों, मैं अभी लैला मजनू की मज़ार के पास में खड़ा हूँ और यहाँ पे हर साल मेला लगता है 15 जून को और वो मेला 5 दिन का होता है। और इस मेले के अंदर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात, इन स्टेट से हज़ारों की संख्या में लोग आते हैं और प्रेमी जोड़े आते हैं, जैसे लव कपल्स, तो वो यहाँ पे आते हैं और लैला जी मजनू जी की जो मज़ार है यहाँ पे धोख लगाते हैं। जैसा मैंने थोड़ी देर पहले बताया, एक सऊदी अरेबिया के अंदर भी लैला मजनू की मज़ार है। अल्ताबाद माउंटेन का एरो सामने भी लगा है आगे की ओर चलने के लिए। तो चढ़ाई चढ़ने के बाद गाड़ी से हम अभी ऊपर की ओर जा रहे हैं और ये है मकबरा जो व्हाइट कलर की दीवार दिख रहा है। वहाँ पे भी लोग टूरिस्ट जाते हैं। यहाँ पे क्या है, अल्ताबाद माउंटेन ट्रेल, कैसा लैला ट्रेल, ठीक है। देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है सब कुछ और ये उसका मैप बना है। देखिए ट्रेल स्टार्ट कैस एंड लैला कफ, देखिए यहाँ पे है और कैस हॉर्स हाइकिंग पोस्ट, यहाँ पर भी आते हैं। यहाँ पे जैसा आपने देखा अभी पहले 2-3 गाड़ियाँ अभी जस्ट आके गई है, ऐसे लोग आते रहते हैं। लेकिन 15 जून को बहुत बड़ा मेला लगता है, झूले वगैरह लगते हैं, लोग आते हैं, दुकानें लगती है, पूरा एक त्यौहार की तरह मनाया जाता है। प्रेमी जोड़े आते हैं, वो आशीर्वाद लेने आते हैं। 15 जून के दिन यहाँ पे फ्री लंगर वगैरह लगता है, खाना मिलता है, पानी जैसे कि सेवाएं चल रही होती है यहाँ पे। मैं लैला मजनू की एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहूँगा आपके साथ। यहाँ की स्टोरी ये है कि यहाँ पे पास ही में पाकिस्तान है और पहले लैला मजनू जो थे वो पाकिस्तान के अंदर रहते थे, वहाँ से आए और जब उनको मिलने नहीं दिया जा रहा था और लोग उनको कह रहे थे कि आप नहीं मिल सकते, इसलिए वहाँ से भाग कर यहाँ पे आए। पीछे एक कुआ है, वहाँ पे कहते हैं कि उन्होंने एक पानी पिया था और वहाँ से आगे आए। अभी यहाँ पे आप देख रहे हो कि चारों तरफ खेती होती है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। यहाँ पे थार का बहुत बड़ा रेगिस्तान था और उस समय यहाँ पे पानी भी नहीं था। यहाँ पे जो अगला शहर है अनूपगढ़, वो यहाँ से 10 किलोमीटर ईस्ट के अंदर है। उस समय उनको पानी ना मिलने के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। और आ जाइए, मैं आपको अंदर से थोड़ा दिखा के लेके आता हूँ। तो दोस्तों, मेरा मेन मोटिव ये था कि मैं आपको ये मज़ार है जो यहाँ पे लैला मजनू की, वो दिखाऊं और ये बताऊं कि इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर के बिल्कुल पास में है, जो यहाँ की स्टोरी है वो मैंने शेयर की आपके साथ। एक चीज़ ये भी है कि ऐसी ही ये लैला मजनू की कहानी सेम सऊदी अरेबिया के अंदर भी है और वहाँ पर अपनी वहाँ के जो लोग हैं वो वहाँ पे ट्रस्ट करते हैं कि वो वहाँ के थे, यहाँ के लोग हैं वो यहाँ पे ट्रस्ट करते हैं। आप कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताना कि आपको क्या लगता है कि ये जो रियल है वो कौन सी है, ये रियल है सऊदी अरेबिया वाली रियल है या दोनों अलग अलग हैं, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। और आप वीडियो देख के प्लीज़ ज़रूर बताना और कमेंट करना। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है
तो प्लीज़ कर दें। अभी हम यहाँ से चल रहे हैं वापस घर की ओर, अनूपगढ़ से होते हुए हम वापस घर जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो अभी हम यहाँ से चलना शुरू करते हैं। अगर आपके पास पर्सनल व्हीकल नहीं है तो भी आप यहाँ पर आ सकते हैं। जैसे बस आती है यहाँ पर आप उतर जाइए, यहाँ से शायद 1-2 किलोमीटर है, आप पैदल जा सकते हैं वहाँ पे। अभी हम अनूपगढ़ आ चुके हैं और थोड़ी भूख भी लग गई है, यहाँ से कुछ लें या घर पे जाके खाना खाएं। वैसे तो 20-21 मिनट लगने हैं घर पे पहुँचने में,